हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल केएसएन टॉक्स। फाइनली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा की अपकमिंग एडवेंचर बाइक के बारे में, जो कि है दोस्तों होंडा NX200। दोस्तों फाइनली होंडा ने इस बाइक को कंफर्म कर दिया है और ये बाइक 19 अगस्त को लॉन्च होने जा रही है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। और साथ ही साथ दोस्तों होंडा की और भी बाइकें हैं जो आपको आने वाले कुछ ही महीनों में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा NX200 के प्राइस के बारे में और इस बाइक के फीचर्स के बारे में। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि होंडा की ऐसी कौन सी बाइकें हैं जो आपको आने वाले कुछ ही महीनों में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। तो अगर आप आने वाले टाइम में किसी भी बाइक को परचेज करने के बारे में सोच रहे हो तो आप मेरी इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देख लेना। और दोस्तों अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी होती है किसी भी बाइक से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि होंडा की तरफ से 6th बाइक होगी जो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होगी 2021 में। और होंडा के आगे भी काफी सारे प्लान्स हैं इंडियन मार्केट को लेकर। और बात करें होंडा NX200 के बारे में तो इस बाइक के लॉन्च होने का इंतजार इंडियन टू व्हीलर मार्केट में काफी लंबे टाइम से और काफी बेसब्री से करा जा रहा था। लेकिन अब क्योंकि ये बाइक पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है होंडा की तरफ से तो आपको दोस्तों ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं होंडा NX200 के इंजन कैपेसिटी के बारे में। इस बाइक में 184.4 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर BS6 कॉम्पैक्ट इंजन का यूज किया जाएगा जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 17.26 bhp की 8500 rpm पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 16.1 न्यूटन मीटर का 6000 rpm पर। इस पावर के साथ ये बाइक 130 से 135 किलोमीटर पर आज तक के टॉप स्पीड तक जा पाएगी। और बात करें बाइक के फीचर्स की तो आपको दोस्तों इस बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन मिल जाएंगे, सिंगल चैनल ABS रहेगा आप सभी की सेफ्टी के लिए और बाइक में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाएगा नेगेटिव डिस्प्ले वाला, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम एंड ग्लूकोज जैसे सारे फंक्शन शो हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको बाइक में इनबिल्ट हजार्ड स्विच का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और बाइक के सस्पेंशन में आपको फ्रंट पार्ट में गोल्डन अपसाइड डाउन फोर्क मिल जाएंगे और उसके रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्सॉर्बर का यूज किया जाएगा जो कि दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट रहेगा ऑफ रोडिंग के लिए। और बाइक में लाइटनिंग ऑल LED रहेगी होंडा की तरफ से बाइक के हर पार्ट में, जैसा कि आपको होंडा होने 2.0 में देखने को मिलती है। बाकी बाइक के डिजाइन के बारे में बात करें तो दोस्तों इस बाइक का डिजाइन पूरी तरह से बेस्ड होगा होंडा CB500X से और बाइक का फ्रंट पार्ट थोड़ा बहुत इंस्पायर होगा होंडा होने 2.0 से। बाकी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप आने वाले टाइम में किसी भी एडवेंचर बाइक को परचेज करने के बारे में सोच रहे हो तो आप इस होंडा की एडवेंचर बाइक का वेट कर सकते हो, क्योंकि आपको इस बाइक में होंडा का पावरफुल इंजन, माइलेज और डिजाइन तीनों चीजें मिल जाएंगी। बात करें बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो आपको इस बाइक में 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी और ये बाइक आपको 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में। बाकी दोस्तों जो बाइक की बाकी डिटेल्स है उनको अभी तक रिवील नहीं करा गया है, तो चलिए सीधा बात करते हैं बाइक के लॉन्च के बारे में और इस बाइक का क्या प्राइस रखा जाएगा इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ये बाइक 19 अगस्त को लॉन्च होने जा रही है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 140,000 से 150,000 के एक्शन प्राइस पर, जो कि आपको दोस्तों ऑन रोड इंश्योरेंस और ऑटो लगाकर ये बाइक 160,000 से 170,000 के प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं होंडा की दूसरी अपकमिंग बाइक के बारे में, जो कि होंडा बिगविंग की तरफ से लॉन्च होगी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 2,00,000 से 2,50,000 के एक्शन प्राइस पर। अगर ये बाइक इस प्राइस रेंज पर लॉन्च हो जाती है तो ये बाइक सीधा सीधा कंपटीशन देगी जावा पराग को और बाकी सेगमेंट में आने वाली क्रूजर बाइकों को, क्योंकि दोस्तों आपको बाइक में 286 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DOHC इंजन मिल जाता है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 27.4 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 27 न्यूटन मीटर का। इस पावर के साथ ये बाइक 140 से 150 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड तक जा सकती है। और बात करें बाइक के फीचर्स की तो आपको दोस्तों इस बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन मिल जाएंगे, डुअल चैनल ABS रहेगा दोस्तों आप सभी की सेफ्टी के लिए और आपको इस बाइक में राउंड शेप का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाएगा, जिसमें आपको बाइक से रिलेटेड सभी बेसिक फंक्शन शो हो जाएंगे। और बाइक के सस्पेंशन में फ्रंट पार्ट में टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर पार्ट में ट्विन शॉक अब्सॉर्बर का यूज किया गया है, जो दोस्तों आपको काफी सारी क्रूजर बाइकों में देखने को मिलता है। और बाइक की लाइटनिंग में आपको होंडा की तरफ से बाइक के हर पार्ट में LED लाइट्स का काम देखने को मिलेगा, आपको बाइक में कोई भी फर्दर एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी बाइक के फ्यूल टैंक में आपको 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी और ये बाइक आपको 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में। और बाइक के टायर साइज की तरफ देखा जाए तो दोस्तों आपको बाइक के फ्रंट पार्ट में 130/90 mm का टायर मिल जाएगा और बाइक के रियर
लिए टायर में 150/80 mm का टायर मिल जाएगा, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा वाइड होगा बाकी सेगमेंट में आने वाली सभी बाइकों से। बाकी बाइक के डायमेंशन में इस बाइक का कवर वेट होगा 191 kg का, बाइक थोड़ी सी हैवी होगी बाकी सेगमेंट में आने वाली बाइकों से। 125 mm के आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी और इस बाइक की सीट हाइट होगी 690 mm की, जो कि बिल्कुल फेवर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो चलिए फाइनली अब बात कर लेते हैं बाइक के लॉन्च के बारे में। आपको दोस्तों ये बाइक होंडा की तरफ से अक्टूबर से नवंबर के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया दोस्तों कि इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा लॉन्च होने पर 2,00,000 से 2,50,000 के एक्शन प्राइस पर। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली बाइक के बारे में, जो कि है होंडा CBR 500R। ये बाइक भी दोस्तों इंडियन टू व्हीलर मार्केट में होंडा बिविंग की तरफ से लॉन्च होते हुए आपको देखने को मिलेगी 2021 के एंड से पहले, और CBR 650RR के जैसे ये बाइक भी काफी ज्यादा बेटर होगी परफॉर्मेंस के मामले में। इस बाइक में दोस्तों 471cc का लिक्विड कूल्ड पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन का यूज किया जाएगा, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 47.5 bhp की 8600 rpm पर, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 43 Nm का 6500 rpm पर। इस पावर के साथ दोस्तों ये बाइक 190 km पर तक की टॉप स्पीड तक जा पाएगी। और बात करें बाइक के फीचर्स के बारे में, तो आपको इस बाइक में 6-speed गियरबॉक्स मिल जाएंगे, डुअल चैनल ABS रहेगा दोस्तों आप सभी की सेफ्टी के लिए, और कंसोल इसका फुल्ली डिजिटल होगा जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम और फ्यूल गेज जैसे सारे बेसिक फंक्शन शो हो जाएंगे। और बाइक के एडिशनल फीचर में आपको इस बाइक में होंडा का इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सिस्टम भी मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें बाइक के सस्पेंशन के बारे में, तो इसके फ्रंट पार्ट में 41 mm के टेलीस्कोपिक फोर्क का और रियर पार्ट में प्रोलिंग मोनोशॉक अब्सॉर्बर का यूज किया जाएगा। और बाइक की लाइटनिंग में आपको OLED लाइटनिंग का सेटअप मिल जाएगा बाइक के हर पार्ट में होंडा की तरफ से। बाकी बाइक के डायमेंशन के बारे में बात करें, तो आपको इस बाइक में 94 kg का कवर मिल जाएगा, 130 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस होगी, और इस बाइक की दोस्तों सीट हाइट होगी 785 mm की, जो कि बिल्कुल फेवर में रहेगी शोर राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और इस बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी होगी 16.7 लीटर की, और ये बाइक आपको 25 से 30 km/l का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में। और बाइक के टायर साइज में आपको इस बाइक में फ्रंट पार्ट का टायर मिलेगा 120/70 mm का, और रियर पार्ट का टायर मिलेगा 160/60 mm का। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं होंडा CBR 500R के लॉन्च के बारे में, कि आखिर ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में कब तक लॉन्च होगी और लॉन्च होने पर इस बाइक का क्या प्राइस रखा जाएगा। दोस्तों आपको ये होंडा CBR 500R नवंबर से दिसंबर के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में, और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 5 लाख के एक्सट्रीम प्राइस पर। तो अगर दोस्तों आपको एक बजट सेगमेंट की हाईली अग्रेसिव स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, तो आप इस बाइक के लॉन्च होने का इंतजार कर सकते हो। बाकी ये थी आज की वीडियो दोस्तों होंडा NX200 के बारे में और होंडा की बाकी अपकमिंग बाइकों के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि आपको इन तीनों बाइकों में से कौन सी बाइक ज्यादा पसंद आई, और अगर ये तीनों बाइकें लॉन्च हो जाती है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में, तो आप इन तीनों बाइकों में से कौन सी बाइक को परचेज करना चाहोगे। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो आगे भी ऐसी ही बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।